सब्सक्राइब करें पुरानीगाड़ी.com चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पुरानीगाड़ी.com में। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मारुति वैगनर एलेक्साई कार के बारे में, जो कि मेरे पास बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी अलग अलग स्टेट से। तो फ्रेंड्स, जो कार का मॉडल नंबर है 2015 और जो गाड़ी चली हुई है 48,000 किलोमीटर विद सर्विस रिकॉर्ड के साथ। दोस्तों, ये सेकंड ओनर कार है और जो गाड़ी का फ्यूल टाइप है पेट्रोल प्लस सीएनजी। सीएनजी गाड़ी में कंपनी फिटेड है। दोस्तों, जो गाड़ी का ट्रांसमिशन है वो मैनुअल है, साथ साथ ये उत्तर प्रदेश नंबर रजिस्ट्रेशन कार है। फ्रेंड्स, जो कार इस वक्त खड़ी हुई है विजनौर उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ी हुई है, साथ साथ जो गाड़ी का कलर है वो व्हाइट है और जो गाड़ी का इंश्योरेंस वैलिड है वो 2021 तक वैलिड है। दोस्तों, कार के ऑल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। अगर गाड़ी के कंडीशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे टायर्स के बारे में, जो कि गाड़ी में आपको गुड कंडीशन में मिल जाते हैं। एंड साथ साथ गाड़ी पे कोई भी दोबारा से डेंट पेंट हुआ नहीं है, ओरिजिनल पेंट के साथ आपको ये कार मिल जाती है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग गाड़ी के आगे से बोनेट बम्पर के बारे में बात करें तो आप लोग देख ही सकते हैं गाड़ी में हेडलाइट्स एकदम चमचमाती हुई कंडीशन में है। मिडिल में आपको मिल जाता है मारुति सुजुकी का लोगो एंड साथ साथ कोई भी आपको स्केचेस नजर नहीं आ रहा होगा। दोस्तों, अगर हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो आप देख ही सकते हैं साइड मिरर परफेक्ट कंडीशन में, कोई भी गाड़ी पे स्केचेस वगैरह है नहीं। तो दोस्तों, अगर हम कार की बैक प्रोफाइल के बारे में बात करें तो टेल लाइट्स जो एकदम गुड कंडीशन में है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। तो दोस्तों, आपको डैशबोर्ड जो एकदम परफेक्ट कंडीशन में मिल जाता है, गाड़ी में एसी रनिंग कंडीशन में विद म्यूजिक सिस्टम के साथ। फ्रेंड्स, गाड़ी में आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाती है एंड साथ साथ यूएसबी स्लॉट मिल जाता है। एंड नीचे फर्श पे आपको मैट बिछी हुई मिल जाती है गाड़ी के अंदर। सीट कवर एकदम न्यू कंडीशन में गाड़ी में। एंड साथ ही साथ अगर हम लोग गाड़ी के बैक सीट की बात करें वो भी एकदम गुड कंडीशन में। आगे वाली दोनों विंडोज में आपको स्पीकर्स लगे हुए मिल जाते हैं। एंड साथ साथ जैसे मैं आपको बता चुका हूं, अगर हम बूट स्पेस में आपको सीएनजी किट रखी मिल जाती है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं गाड़ी में सीएनजी जो है वो कंपनी फिटेड है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं गाड़ी के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस कार को लोन पे लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी मात्र 33,000 रुपए। बाकी की आप छोटी छोटी ईएमआई पे आप इस कार को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस कार को कैश में लेने का प्लान कर रहे हैं तो जो मेरे पास ओनर की डिमांड आई है वो आई है 2,90,000 रुपए की। दोस्तों, ये निगोशिएबल प्राइस है। मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों की बात अगर 2,70 तक बन जाती है तो काफी अच्छा प्राइस हो जाएगा कार की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ, कुछ रुपए मैं कम कराता हूँ, कुछ आप कम कराइए, तभी आप एक अच्छी कार अच्छे प्राइस में परचेज कर पाएंगे। तो दोस्तों, ऑनर का नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप सीधा वहां जाके ऑनर का नंबर ले सकते हैं और ऑनर को कॉल करके इस कार पे बार्गेनिंग करके एक अच्छे प्राइस में ये कार परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से ऑनर को कॉल करिए और जल्दी से अपने मारुति वैगनर कार लेने के सपने को पूरा करिए। तो दोस्तों, अगर हम प्राइस को मार्केट कंपेयर कर लें तो आपको इस गाड़ी पे आप सेव कर सकते हैं अप्रोक्स 30,000 से 40,000 रुपए। एंड साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोग अपने ही जिले में कोई सेकेंड हैंड कार सर्च कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर, मैं ये वाली कार सर्च कर रहा हूँ, इस मॉडल नंबर की कर रहा हूँ, इस प्राइस में कर रहा हूँ। मैं वही कार आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, वो भी एक सस्ते प्राइस में। दोस्तों, काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट मैं फुलफिल कर चुका हूँ। आप भी मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी कार सर्च कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज पेमेंट तभी किया करिए जब आप गाड़ी देख लें, ओनर से मिल लें, उसी के बाद। उससे पहले कभी भी, चाहे आप OLX, चाहे आप पिक, चाहे आप थर्ड पार्टी किसी भी पोर्टल पे सर्च कर रहे होगा, लेकिन कभी भी पहले पेमेंट ना करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई सेकेंड हैंड कोई पुरानी कार है, आप उसे सेल आउट करना चाह रहे हैं एक अच्छे प्राइस में, वो भी मात्र 24 आवर्स के अंदर, तो आप अपनी कार की वीडियो
इमेजेस मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।